हे दैर इट्स विराज और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे C++ के लेवल वन क्वेश्चन तो ये वीडियो स्ट्रिक्टली फॉर बिगनर्स है और क्वेश्चन का लेवल भी बिल्कुल ईजी होने वाला है अगर आप C++ में बिल्कुल नए हो तो दिस वीडियो इज द राइट वन फॉर यू अब हम वन बाय वन पांच क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन वन राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम इसके लिए सबसे पहले हैश टैग इंक्लूड आयो एस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी आई एन टी मेन और इसके अंदर हम लिखेंगे सी आउट फिर मैं अपना नाम लिखूँगा विराज तो अगर आप फैमिलियर नहीं हो इन सभी टर्म से तो इस चैनल पर प्ले लिस्ट चली सी प्लस प्लस की जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा जिसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किए विद एनिमेशन तो अब इसको रन किया तो विराज प्रिंट हो गया आप लोग भी अपना नाम या फिर वर्ड अल्फ़ाबेट सेंटेंस नंबर सिम्बल गर्लफ्रेंड का नाम बॉयफ्रेंड का नाम कुछ भी प्रिंट कर सकते हो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन टू राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ ट्वेंटी फाइव प्लस टेन तो यार जैसे पहले सी आउट स्टेटमेंट में अपन अपना नाम लिख रहे थे उसकी जगह ट्वेंटी फाइव प्लस टेन लिख दिया और रन किया तो थर्टी फाइव मिल गया तो ट्वेंटी फाइव प्लस टेन इसका सम हमें थर्टी फाइव मिल गया ऐसे ही आप बाकी ऑपरेशन भी कर सकते हो दूसरे नंबर्स पे प्लस माइनस इंटू डिवीजन तो बस हो गया क्वेश्चन नंबर टू अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे क्वेश्चन थ्री राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ टू नंबर्स गिवन बाय यूजर एज इनपुट तो यार इस वाले प्रोग्राम में हम यूज़र्स से इनपुट में लेंगे दो नंबर्स फॉर एग्ज़ाम्पल टू एंड थ्री और इनको प्रोग्राम में दो इंट वेरिएबल से स्टोर करेंगे इंट ए इक्वल्स टू और इंट बी इक्वल्स थ्री और फिर ए प्लस बी दैट इज़ फाइव प्रिंट करेंगे तो मैंने इंट ए और इंट बी डिक्लेयर कर दिया फिर सी इन ए और सी इन बी से हम यूज़र से इनपुट में लेंगे और अब इनपुट वाला काम हो गया फिर हम लिखेंगे सी आउट ए प्लस बी तो अब जैसे रन करके टू और गैप दे के थ्री डाला तो फाइव प्रिंट हो गया सेम आप बाकी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के लिए भी बना सकते हो अगर ऊपर वाले प्रोग्राम में जो चीजें हैं वो उससे आप फेमिलियर नहीं हो तो आई से निकल घर से और पहले मेरी आए बड़े विराज भी बता दो अब चलते हैं वाले पे तो का मतलब है कोई भी दो वैल्यूज को इंटरचेंज करना मतलब मान लो एक्वस थ्री है और बी इक्वस टू है तो स्वाप करने पर ए इक्वस टू हो गया और बी इक्वस थ्री हो गया मतलब वैल्यूज आपस में बदल गई स्वाप करने के लिए सबसे पहले इंट ए इक्वस थ्री और इंट बी इक्वस टू डिक्लेयर कर दिया अब हम एक टैम्प वेरिएबल बनाएंगे जो स्टोर करेगा ए की पुरानी वैल्यू दैट इज थ्री फिर मैंने ए इक्वस बी लिख दिया मतलब अब ए इक्वस टू हो गया बट टैम्प अभी भी थ्री है वो कभी चेंज नहीं होगा फिर मैंने बी इक्व टेम्प लिख दिया मतलब अब बी इक्व थ्री हो गया क्योंकि टेम्प की वैल्यू तो थ्री थी ना तो अब बी इक्व थ्री हो गया फिर सी आउट वैल्यू ऑफ ए फिर एंड A एल ऐसे ही सी आउट बी फिर बी एंड एल और अब रन किया और देखो वैल्यू ऑफ ए टू आ रही है और वैल्यू ऑफ़ बी थ्री आ रही है तो ए और बी की वैल्यूज़ आपस में स्वॉप हो गई अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन फाइव राइट अ प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस टू कन्वर्ट टेम्परेचर इन सेल्शियस टू कैलविन तो कोई भी टेम्परेचर दिया है सेल्शियस में तो उसे कैलविन में कन्वर्ट करने के लिए सेल्शियस प्लस टू सेवनटी थ्री कर देते हैं मतलब कैलवन इक्वल सेल्शियस प्लस टू सेवनटी थ्री राइट तो यही फॉर्मूला अपन यूज़ करेंगे प्रोग्राम में सबसे पहले इंट सेल्शियस नाम का एक वेरिएबल बनाया फिर सी इन सेल्शियस यूज करके हम यूजर से इनपुट में ले लेंगे फिर इंट कैलविन इक्वल्स सेल्शियस प्लस टू सेवनटी थ्री तो इससे कैल्विन वैल्यू भी मिल जाएगी फिर सी आउट कैल्विन और अब रन करके जैसे ही टेन डाला तो कैल्विन टेम्परेचर टू एटी थ्री मिल गया ऐसे ही सेल्शियस टू फेरेनहाइट बना सकते हो या फिर कोई भी कन्वर्शन कर सकते हो तो ये थे हमारे फाइव क्वेश्चन फॉर बिगिनर्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ठोको और सब्सक्राइब मारो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक गलेसिया में कोई टिब्बा बाय